हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो अंशुल के बर्थडे का था, और जो आज का व्लॉग है वो है कॉस्को विजिट का। तो जो US में होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि कॉस्को क्या है। और मैं बता दूं कि कॉस्को एक होलसेल डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहां पर सारी चीज जैसे ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, सब कुछ होलसेल में मिलता है। और आज हम वहां जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूं और बता दूं कि वहां पर क्या क्या आइटम्स मिलती है और वहां की क्या प्राइस होती है। तो अब हम चलते हैं कॉस्को। लेट्स गो अभियान। ये ओके, वहां पे हाँ ओके रेस्टोरेंट, बिल्कुल रेस्टोरेंट। ओके कॉस्को है वो एक मेंबरशिप स्टोर है, वहाँ की हमें एनुअल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और जब इस तरह का कार्ड मिलता है वहाँ पे, तो जब भी आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको ये कार्ड शो करना पड़ता है, तभी ही वो आपको अलो करते हैं। और वहाँ पर कॉस्को का अपना खुद का एक फ्यूल स्टेशन है, तो वहाँ का जो फ्यूल है वो कंपेरिजन टू अदर फ्यूल स्टेशन, वहाँ का जो फ्यूल है वो थोड़ा इनएक्सपेंसिव है। एंड वी आर अबाउट टू रीच देयर। और यहाँ ये वाले घर से ना, मतलब अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ से तो बहुत ही पास में था, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स की ड्राइव। पर हम तो यहाँ पे आ ही जाते हैं वीक में एक बार, क्योंकि मैं यहाँ से दूध लेती हूँ, तो दूध मैं दो दो कैन नहीं ले जाती। वैसे ना यहाँ पर दूध खराब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉस्चराइज्ड मिल्क मिलता है, वो एक एक महीने की उसकी एक्सपायरी रहती है। पर मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं हर हफ्ते नया वाला कैन लेकर आऊँ, तो थोड़ा सा फ्रेश मिल जाता है। हियर वी रीच्ड एंड दिस इज कॉस्को होलसेल स्टोर। अवयान जब भी शॉपिंग पर जाता है ना, तो चलने में इतनी आलसी करता है, उजत करता है कि मुझे कार्ट पे बैठना है। तो और देखो, यहाँ पे कार्ट की साइज ना कंपैरेटिवली दूसरे स्टोर्स के थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ के सामान थोड़े ऐसे ज़्यादा होते हैं। और ये अभी जिद कर रहा है कि मुझे भी व्लॉग करना है, जैसे मम्मा व्लॉगिंग कर रही है ना, वैसे मुझे भी व्लॉगिंग करनी है। तो बस उसकी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, और ये ना मेरे पूरे मोबाइल की बैटरी को ख़त्म कर देता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंटर करने के पहले ये कार्ड चेक करते हैं, जो मेंबरशिप कार्ड होता है, तो वो देख के फिर एंट्री मिलती है। और यहाँ पे एंट्रेंस में जिस आइटम से सबसे ज़्यादा डील रहती है ना, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे इस बार ये ग्रिलर पर डील है, और ये नाइफ्स हैं उन पर डील है, तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर स्टार्टिंग में लगे हुए रहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ का ड्रिंक सेक्शन बताती हूँ। इस वाले ड्रिंक सेक्शन में सारी अल्कोहलिक ड्रिंक है, और काफ़ी अलग अलग तरह की वाइन्स, रम, विस्की, बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं। और ये है एगनॉग, जो क्रिसमस पे स्पेशली पिया जाता है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल बॉटल, ये विस्की की बॉटल है, गोल्ड बार, कितनी प्यारी लग रही है। और अभी ना फेस्टिवल सीजन है, तो यहाँ पर पार्टी पॉपर्स भी मिल रहे हैं, मतलब ये छोटे छोटे से पटाखे हैं जिनको घर में भी इजीली से हम फोड़ सकते हैं। और ये है डेयरी सेक्शन, ये बहुत ही मतलब बड़ा सा फ्रीज़र है, और वहाँ पर अलग अलग तरीके के दूध मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक साथ दो दो कैन मिलती है, तो जो अलग अलग तरह के मिलते हैं, जैसे जो रेड वाला है वो होल मिल्क है, जो ब्लू वाली कैन है वो 2% रिड्यूस्ड फैट है, कुछ ऑर्गेनिक के, कुछ इनऑर्गेनिक मिल्क हैं, और यहाँ पर आलमंड मिल्क है, और कॉफ़ी मेट है। तो यहाँ पे डेयरी सेक्शन में एग रखे जाते हैं और मिल्क रखा जाता है। यहाँ पर ना इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, तो कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, नान, ये सब भी मिलते हैं। तो स्टोन फायर नान तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर ये जो नानक का पनीर है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि कच्चा आटा का, मतलब ऐसे आटे जैसा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। और अब जो मैं आपको सेक्शन दिखा रही हूँ वो है नट सेक्शन, यहाँ पर अलग अलग तरह के नट्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे, मतलब जैसे कैश्यू है तो वो हनी रोस्टेड, सॉल्टेड,
बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ऐसा मिक्स नट्स मिलते हैं और वॉलनट्स हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट का सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मैं ड्राई फ्रूट्स यहीं से ही परचेस करती हूँ, बस क्वांटिटी बहुत आती है तो आराम से 2-3 महीने चल जाते हैं। और ये है स्पाइसेस सेक्शन, तो जो यहाँ के मसाले होते हैं वो भी मिलते हैं, और इंडिया की जैसे रेड चिली है, रेड चिली पाउडर तो वो भी मिलता है, केसर अच्छी मिलती है पर काफ़ी कॉस्टली होती है यहाँ पे। और ये देखिए, ये है वेनीला की बीन्स, मैंने यहाँ पे पहली बार देखी है, उसके पहले मैंने वेनीला नहीं देखा कि इस तरीके का होता है वो। और ये है यहाँ का वेजीज और फ्रूट का सेक्शन, तो ये वापस से बड़ा सा फ्रीज़र है, तो वो वाली वेजीज और फ्रूट्स जिनको एक कम टेम्परेचर पे रखना चाहिए वो यहाँ पर रखी रहती है, जैसे पालक है या पर अंगूर है और गाजर है, तो वो सब चीज़ें यहाँ वाले फ्रीज़र में रखी रहती है, और वो वाली वेजीज जिनको जो फ्रीज़र में नहीं रहती वो इसके बाहर रखी रहती है, जैसे पटेटो, अनियंस, गार्लिक, जिंजर, वाटरमेलन, ये सब बाहर रखे रहते हैं। मैंने यहाँ से फ्रूट्स बहुत सारे नहीं लेके जाती क्योंकि वो बहुत सारी क्वांटिटी में आते हैं, तो सिर्फ बनाना, एप्पल और ऑरेंज यहाँ से पिक करती हूँ। ये जो सेक्शन है वो ब्रेड स्प्रेड और बेकरी सेक्शन है, तो जो भी सारी ब्रेड है अलग अलग तरह की, होल व्हीट ब्रेड, 7 ग्रेन ब्रेड और टॉर्टिलास और पाव, ये सब यहाँ पर मिलता है, तो काफ़ी अलग अलग तरीके की यहाँ पर ब्रेड मिलती है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो अभी क्रिसमस आने वाला है तो गिफ्ट्स बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे, स्पेशली टॉयज़, इतने सारे इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ आए हुए हैं, एंड लुक एट दिस छोटू सा प्यारा सा टाइगर, मन करता है ना टॉयज़ देख के ये भी ले लो वो भी ले लो, वही गाना याद आ रहा है, ये भी ला दो वो भी ला दो, पैसों की ये होली है, जो भी ला दो कम पड़ेगा, आसमां से बड़ी मेरी झोली है, पर क्या करें ना, हर चीज़ नहीं खरीद सकते, तो इतने अच्छे अच्छे टॉयज देख के बहुत मन करता है, और यहाँ से ज़्यादा तो मेरा मन करता है कि सब खरीद लूँ। और ये कितनी प्यारी सी एक्टिविटी कलेक्शन बुक्स है, तो बस कॉस्को में आते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना, और कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं यार यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ का कपड़ों का सेक्शन ना काफ़ी अच्छा है, मतलब कम कपड़े, इतनी चॉइस नहीं होती है कपड़ों की, पर फिर भी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी मिलती है, और प्राइस तो ऑब्वियसली बाहर जो शॉप्स हैं उनसे कम होती है, और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ तो हम ख़रीद ही लेते हैं कपड़ों में से, कुछ ना कुछ तो अच्छा सा दिख ही जाता है। पर यहाँ ना कपड़ों के साइज़ का थोड़ा इशू है, क्योंकि मुझे यहाँ का स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, तो आई डोंट नो जो स्किनी होते होंगे उनको तो यहाँ के कपड़े बैठते ही नहीं होंगे। और इस बार यहाँ पर हमारा व्हीट फ्लावर भी मिल रहा है, एंड दिस इज़ पेपर टॉवल एंड टॉयलेट पेपर सेक्शन, तो जैसे हम इंडिया में किचन को वाइप करने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं या फिर हाथ धोने के बाद हम हाथ पोछने के लिए नैपकिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पेपर टॉवल यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ मीट सेक्शन एंड बेकरी सेक्शन, और यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के योगर्ट्स मिलते हैं, फ्लेवर्ड वाले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, वेनीला फ्लेवर्ड, और यहाँ से मैं सॉर क्रीम लेके जाती हूँ डेजी का, वो काफ़ी टेस्टी होता है और वो मेरा यूज़ भी हो जाता है, तो मैं यहाँ से पिक करती हूँ। और यहाँ से मैं बटर लेती हूँ अनसॉल्टेड कर्कलैंड का, उसका घी काफ़ी अच्छा बनता है। एंड दिस इज होम इम्प्रूवमेंट सेक्शन, ये है यहाँ का टॉयलेटरी सेक्शन, तो यहाँ पर सारे हैंड सोप्स और शैम्पू और मॉइस्चराइजर, सोप, तो यहाँ पर सब कुछ बल्क में मिलता है, तो मैं ये हैंड सोप यहीं से लेके जाती हूँ। एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स, इंडक्शन और
डिश वॉशर और सारे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बहुत ही अच्छे डील में मिलते हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द चेकआउट। तो चेकआउट करते वक्त सबसे पहले हमको जो मेंबरशिप कार्ड है वो उसको स्कैन करना पड़ता है, और देन जो हमने आइटम्स लिए हैं उसको स्कैन करो, और जो वेइंग स्केल है वो वाली आइटम्स उस स्केल पे रखनी पड़ती है। है घर और ये है मेरा जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। और पता है कॉस्को में ना ऐसे शॉपिंग बैग्स नहीं होते, तो वहाँ पर ऐसे बाहर कार्टन्स रखे हुए रहते हैं, तो हम लोग वो लेके आ जाते हैं, तो इजी कैरी करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सारा सामान काफ़ी हेवी होता है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो मैं कॉस्को से लेकर आई हूँ ये ककलैंड वेजिटेबल ऑयल। क्यों मैं फ्राइंग में नॉर्मली ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ जब भी मैं कुछ डीप फ्राई करती हूँ, तो ये लेके आई हूँ। साथ में ये एक्स्ट्रा लार्ज पीनट, ये बहुत अच्छे लगते हैं रोस्टेड और सॉल्टेड। तो कभी भी अगर पीनट चाट या बनानी हो या फिर सब्जी में डालना हो तो मैं इसी को ही ग्राइंड करके डाल लेती हूँ। और ये गार्लिक का बैग है 2 LB का, और मैं हमेशा ये वाली ब्रेड लाती हूँ, व्हीट ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। ये अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना तो कंपैरेटिवली दूसरे ब्रेड की काफ़ी टेस्टी लगती है। और ये वाला है डिश वॉशर पॉड्स, मैं हमेशा कास्केट के यूज़ करती हूँ, पर इस बार ना ये डील में थे तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। तो पता नहीं कैसे होंगे पर मैं लेके आ गई हूँ क्योंकि इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो मैंने सोचा इसको भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और हम बनाना भी वहीं से लेकर आते हैं क्योंकि अच्छे मिल जाते हैं, और बनाना अयान को भी अच्छा लगता है, अंशुल भी खा लेते हैं, मैं तो नहीं खाती तो ख़त्म हो जाता है, तो मैं बनाना वहाँ से ले आती हूँ। और यह है ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, तो ऑन द गो अगर आप जा रहे हो कार में तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये हम हमेशा, मतलब हमेशा क्या, ऑलमोस्ट एक महीने में एक पैकेट ले आते हैं। और मैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी और वहीं से ही खरीदती हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो वॉलनट है और ये है कैश्यू, तो ये लेकर आई हूँ। और अच्छे चल जाते हैं, ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ डेढ़ महीना चल जाते हैं आराम से, और ज़्यादा चल जाते हैं। और ये है ना क्रूजेंट है, ये बहुत ही यमी लगते हैं अवियान को, और ये बहुत ही अच्छा अगर आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर एक भी बच्चे ने खा लिया तो उसका एक घंटे का काम तो निकल ही जाता है। और ये वाली सोप है, हैंड सोप, और मैं ये वाला मिल्क यूज़ करती हूँ, कर्कलैंड का होल मिल्क। और अवियान के लिए मैं ऑर्गेनिक मिल्क लेके आती हूँ दूसरे स्टोर से, पर हम दोनों के लिए हम ये वाला मिल्क यूज़ करते हैं। और हमारे घर में क्रिसमस पार्टी है तो इस बार हम लोग ये वाली क्या है, ये वाइन लेकर आए हैं, और ये है टकीला, तो ये लेकर आए हैं। तो बस ये है मेरा कॉस्को शॉपिंग हॉल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।